Hello dear students, welcome to the channel, and today we are solving the question on higher order linear differential equation with constant coefficients. So here we are having the second order differential equation with constant coefficient. So iska solution kaisa hota hai? The solution comprises of two part, that is we can write here CF plus it is PI. CF stand for complementary function and PI stand for particular integral. So हम दोनों अलग अलग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. तो पहले हम निकालते हैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म. सिंबॉलिक फॉर्म का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो d by dx है उसको रिप्लेस कर देते हैं d से इस इक्वेशन में. तो इसको नंबर वन अगर मैंने दिया तो नंबर वन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसको हम लिखेंगे d square plus, यहाँ पे है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो उसको हमने लिखा d plus 9, और हर एक टर्म में y प्रेजेंट है तो इस y को हमने कॉमन निकाल लिया. दिस इज इनटू y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x एंड दिस इज sin x. तो इसे हम कहते हैं सिंबॉलिक फॉर्म फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. अब हम लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, d को रिप्लेस करते हैं m से. कहां रिप्लेस करना है इसको, इस ब्रैकेट में, मतलब फंक्शन ऑफ d आपको जो दिख रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 दिस इज इक्वल्स टू 0, जिसे हम लिख सकते हैं m प्लस 3 का होल स्क्वायर. ये सुनो बताइए मुझे, या दर इज आप रूट्स कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज हमको इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, जिसको हमने लिखा m प्लस 3 इंटू m प्लस 3, दो बार लिख दिया. तो जिसको हम इक्वेट करते हैं इज व्हाट, 0 से, m प्लस 3 को फिर से इक्वेट कर दिया 0 से, दूसरे m प्लस 3 को भी आपने इक्वेट कर दिया 0 से. तो यहां पर आपको मिल गया माइनस 3, यहां भी आपको मिल गया इज व्हाट माइनस 3. तो आपके जो रूट्स है वो हो गए माइनस 3 और माइनस 3. तो रूट्स हमारे रियल तो है बट इक्वल भी है. तो रियल और इक्वल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का रूल होता है. कैसे लिखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को, अब देखिए दो रूट्स है तो दो कॉन्स्टेंट्स आएंगे, तो इसमें से जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तब एक कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, मतलब x से वहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे एक कॉन्स्टेंट को. यहाँ पे c1 लिखा और c2 को मल्टीप्लाई किया x से, तो c1 प्लस c2 x. क्यों लिखा, बिकॉज रूट्स रिपीट है. अब उसके बाद जो माइनस 3 रूट है उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, e टू द पावर माइनस 3x. तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर द रियल एंड इक्वल रूट. अब हम निकालते हैं पी आई. पी आई निकालना भी आसान है यहाँ पर. तो पी आई का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी. फंक्शन ऑफ डी हमारा ये है, दैट इज डी स्क्वायर प्लस 6d देन प्लस 9, और यहाँ पे आ रहा है e टू द पावर 2x इंटू इट इज साइन x, मतलब जो राइट हैंड साइड होती है उसको हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है. अब देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और साइन फंक्शन भी है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है. तो जब भी एक्सपोनेंशियल के साथ कोई और फंक्शन रहता है तो हम क्या करते हैं, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको लेफ्ट में लेके जाते हैं. तो यहां पे मैं इसको लेफ्ट में लेके जा रहा हूं e टू द पावर 2x को, और साइमल्टेनियसली d को रिप्लेस करते हैं. यहां पे हम रिप्लेस करेंगे d को बाय d प्लस 2 से. देखिए d को रिप्लेस किया d प्लस 2 से, तो हो जाएगा d प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू डी प्लस 2 देन प्लस 9, एंड व्हाट इज लेफ्ट हियर, इट इज साइन x. अब क्यों रिप्लेस किया मैं आपको यहां पे बताता हूं. तो एक रूल होता है, जैसे अगर e टू द पावर यहां पे ax अगर हमारे पास है, सो दैट टाइम जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो तब हम क्या करेंगे, d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस a से. तो यहां अगर आप कंपेयर करेंगे e टू द पावर ax और e टू द पावर 2x, तो यहां पे a कितना हो गया हमारा 2 हो गया, ठीक है. इसलिए फिर हमने d को रिप्लेस किया यहां पे d प्लस 2 से. तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर देते हैं और उसके बाद प्रोसीड करते हैं pi निकालने के लिए. तो यहां पर सिंप्लीफाई किया तो पहले टर्म में आपको a प्लस b होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो इसको हमने लिखा d स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस, मतलब इट इज व्हाट 4d प्लस 4 प्लस दिस इज व्हाट 6d. 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा 12, देन प्लस 9 इंटू इट इज साइन x. अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये हो जाएगा e टू द पावर 2x 1 अपॉन दिस इज d स्क्वायर 4d, 6d कितना हो गया 10d, उसके बाद 4 12 16, 16 प्लस 9 इट इज 25, ठीक है. सो दिस इज 25 इंटू इट इज साइन x. यहां तक तो हम पहुंच गए. अब देखिए जब भी साइन और कॉस के टर्म्स होते हैं तब एक और रूल होता है पीआई निकालने का. जैसे अगर मेरे पास साइन ax है या अदरवाइज मेरे पास क्या है कॉस ax, सो दैट टाइम हम क्या करते हैं d स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस a स्क्वायर से. a क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x है. तो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर अगर मैंने किया तो आएगा 1, और d स्क्वायर को फिर हम रिप्लेस करेंगे माइनस 1 से, बिकॉज माइनस a स्क्वायर से वो रिप्लेस होता है. तो यहां पे देखिए माइनस 1 से अगर आप रिप्लेस करते हैं इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर 2x
वन अपॉन यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर को रिप्लेस किया माइनस वन से, यह आ जाएगा प्लस 10d प्लस 25 एंड दिस इज इनटू साइन एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, माइनस वन और 25 हो जाएगा 24, तो नेक्स्ट पेज में हमने इसको लिखा पी आई इज इक्वल्स टू, यहां पर पहले था e टू द पावर 2x ऑलरेडी, उसको एज इट इज लिख दिया, उसके बाद हमने लिखा 10d और उसके बाद माइनस वन और 25 मतलब कितना हो जाता है, दैट इज 24 हो जाता है, तो उसको हमने यहां पे लिख दिया इनटू इट इज साइन एक्स। अब देखिए जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं पी आई, तो अगर साइन का टर्म आता है कॉस का, तो हमको डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर चाहिए, तो यहां पे तो डी स्क्वायर नहीं है, डी का टर्म है, तो डी स्क्वायर हम कैसे लाते हैं, रैशनलाइजेशन करके। अब रैशनलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा, जैसे अगर मेरे पास यहां पे है 10d प्लस 24, तो मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा 10d माइनस 24 से, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने 10d माइनस 24 से। आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस 10d प्लस 24 से भी कर सकते हैं, मतलब आपको दोनों में से एक टर्म का साइन चेंज करना है, उसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन, दिस इज इनटू यहां पे साइन एक्स। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इट इज ई टू द पावर 2x, ऊपर में आ रहा है 10d माइनस 24, अब a प्लस बी और a माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 10d का स्क्वायर, इट इज अबाउट 100d स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो यहां जाएगा माइनस 576, इट इज इनटू साइन एक्स। अब इसके बाद देखिए डी स्क्वायर आ गया, तो डी स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस वन से, जैसा अभी हमने किया था, मैंने आपको बताया था डी स्क्वायर विल बी रिप्लेस बाय माइनस वन, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है 1, 1 का स्क्वायर किया 1 और बाद में उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इसको लिखा हमने ई टू द पावर 2x, यहां पे 10d माइनस 24 एज इट इज, हम डी स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं यहां पे किससे बताइए माइनस वन से, हो जाएगा माइनस 76 इंटू इट इज साइन एक्स, नीचे में है माइनस 100 माइनस 576, तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस ई टू द पावर 2x रहेगा, हो जाएगा 676, और न्यूमरेटर को हम यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 10d इट इज साइन एक्स एंड देन व्हाट बताइए माइनस 24 इंटू इट इज साइन एक्स। सो द पी आई कैन बी रिटन एज, मैं यहां पे लिख रहा हूं फिर पी आई इज इक्वल्स टू, ये टर्म तो एज इट इज रहेगा ई टू द पावर 2x अपॉन 676, और उसके बाद देखो डी स्टैंड फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव करेंगे दैट इज कॉस, तो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स, और उसके बाद माइनस 24 साइन एक्स, तो ये मेरे पास आ गया क्या, इट इज पी आई। अब हम फाइनल कंप्लीट सोल्यूशन लिखेंगे, या जनरल सोल्यूशन भी जिसे हम कहते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन इज गिवन बाय, क्या होता है कंप्लीट सोल्यूशन, इट इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ में रूट्स -3 -3 थे, तो हमारा सी एफ था c1 प्लस c2x e रेश टू द पावर -3x, और बाद में पी आई भी निकाला हमने माइनस ई टू द पावर 2x अपॉन 676, देन दिस इज व्हाट 10 cos x माइनस 24 इट इज इन टू साइन एक्स, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सोल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको ऑलरेडी बताया था कि विच कंप्राइज ऑफ टू पार्ट दैट इज सी एफ एंड पी आई, तो आई सपोज आपको ये प्रॉब्लम समझा होगा कि हम किस तरह से हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अगर समझा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा, अगर नहीं समझा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच।